दोस्तों, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? देखो बढ़िया होंगे, चलो मेरा भी एकदम झकास। दोस्तों आपने कभी न कभी तो अमेज़न के जंगलों के बारे में सुना ही होगा। ये जंगल काफी बड़ा और काफी सुंदर भी है। दोस्तों ये जंगल जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी है। इसमें अनेक प्रकार के खतरनाक जानवर रहते हैं। अमेज़न के सबसे खतरनाक प्राणी, अमेज़न वर्षा वन दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वनों में से एक है। यहाँ पर लोग एडवेंचर करने और नेचर को एक्सप्लोर करने जाते हैं। आपको ये सब तो पता होगा, लेकिन क्या आपको यहाँ के खतरों के बारे में पता है? क्या आपको यहाँ के जानलेवा जानवरों के बारे में पता है? अगर नहीं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अमेज़न के कुछ सबसे खतरनाक क्रिएचर्स के बारे में। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ डेंजरस क्रिएचर्स ऑफ अमेज़न। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी है ना, जरा उसे भी दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर वन, पिराना। भैया समुद्र के सबसे बड़े राक्षसों में से एक है। पिराना को अमेज़न में लोगों का सबसे बड़ा काल माना जाता है। लेकिन अगर मैं यूं कहूं कि पिराना के बारे में ये सब सिर्फ अफवाह है, तो आप क्या कहेंगे? दोस्तों पिराना जितनी खतरनाक बताई जाती है, ये उतनी खतरनाक है नहीं। अमेज़न के आसपास रहने वाले आम लोगों को अक्सर उस पानी को तैर कर पार करते हैं जिस पानी में पिराना रहती है। पिराना अक्सर मरे हुए जानवरों को खाकर अपना गुजारा करती है। ये बड़े जानवरों पर और इंसानों पर आमतौर पर हमला नहीं करती, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा भूखी होती है तब ये किसी को भी अपना शिकार बनाने से नहीं चूकती, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई बहुत बड़ा जानवर। पिराना अक्सर आगे से हमला नहीं करती, लेकिन जब उसे पानी में ताजा खून की खुशबू आ जाती है तब वे अपने लंबे और नुकीले दांतों से किसी भी इंसान की चटनी बनाने में पीछे नहीं हटती। याद रखें दोस्तों, अगर आप किसी खुले घाव के साथ पानी में उतरे तो पिराना के प्रकोप से आपको शायद ही कोई बचा पाएगा। लेकिन रुको रुको, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप जरा ये बताइए ना कि आप किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में बताइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर टू, अरापाइमा। 2 मीटर लंबी और लगभग 100 किलोग्राम से भी ज्यादा वजन वाली अरापाइमा मछली दुनिया की सबसे बड़ी मछलियों में से एक है। ये इंसान को सीधे तौर पे तो नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन अमेज़न जंगल में मौजूद दूसरे जानवर इससे खौफ जरूर खाते हैं। ये मछलियाँ पानी में तैर भी सकती हैं और हवा में भी सांस ले सकती हैं। अरापाइमा अमेज़न के पानी में मौजूद दूसरी मछलियों को खाती हैं और कई बार ये किनारे पे आए जानवरों का शिकार कर लेती है। हालांकि अरापाइमा इंसानों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी हड्डियों से सुनने वाली मशीनों का निर्माण भी किया जाता है। नंबर थ्री, मच्छर। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि नुकीले दांतों, तेज रफ्तार और जानलेवा जहर से भरे जानवरों की लस में मच्छर क्या कर रहे हैं? बताते हैं, एक सर्वे के अनुसार अमेज़न के सबसे खतरनाक जानवरों में मच्छर भी शामिल है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर होने वाली मौतों का एक बड़ा प्रतिशत डेंगू, मलेरिया और मच्छरों से होने वाली अन्य बीमारियों के कारण होता है। अमेज़न में मच्छर आने वाले लोगों को कई ऐसी बीमारियां भी दे देते हैं जिनका पता लगाना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। दोस्तों आपको एक और मजे की बात बताऊं, मच्छर दिन ब दिन एडवांस्ड होते जा रहे हैं। अमेज़न में आने वाले टूरिस्ट मच्छरों को भगाने के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसे डीट कहा जाता है, लेकिन वो मच्छर इस टेक्निक से भी नहीं मरते। तो अगर अगली बार अमेज़न जाएं तो कुछ लेकर जाएं, मच्छरदानी वगैरह, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। नंबर फोर, साउथ अमेरिकन रैटल स्नेक। वैसे तो अमेज़न के जंगलों में कई तरह के सांप पाए जाते हैं, लेकिन रैटल स्नेक उन सभी सांपों में सबसे ज्यादा खतरनाक है और इंसानों के लिए भी सबसे बड़ा खतरा वही है। रैटल स्नेक दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक सांपों में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रैटल स्नेक एक बार काट ले तो इंसान का बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों लैटिन अमेरिका में 9% से ज्यादा कैजुअलिटीज रैटल स्नेक की वजह से हैं, जिससे आप इनके खतरनाक होने का अंदाजा लगा सकते हैं। अमेज़न में भी इसका कहर भयानक है। तो दोस्तों ये थे अमेज़न के 4 सबसे खतरनाक क्रीचर्स। खैर आप हमें इतना बताइए कि आपको इनमें से मोस्ट डेंजरस कौन सा लगा। अपना फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।